मैं अपने गुरुदेव परमात्मा सावर कृपाल के चरणों में नमस्कार करता हूं, जिन्होंने सानू आपका जश करने का मौका दिता है। थोड़े अगे गुरु नानक देव जी महाराज का छोटा जा शब्द लिया जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज उस वक्त दे अंदर प्रगट होए, संसार विच आए, जबकि पंजाब दे अंदर काफी दुनिया दे अंदर दुनिया बिल्कुल ही परमात्मा नूं भुल चुकी सी। रीति रिवाज कर्मकांड दे विच ही विश्वास सी। ज्यादातर इसे पासे लोकां दा जोर सी, जे कोई घर बार छड के थोड़ा बहुता साधना लग्या करन, क्योंकि नाम तां कोले नहीं सी जिहदे नाल निम्रता आउंदी, उह भी लोकां नूं बददुआइयां देण वास्ते लोकां नूं डराउण लगे कि जे तुसीं साडी पूजा नहीं करदे असीं तुहानूं बददुआ दिंदे हैं तुहाडा इह नुकसान हो जाएगा। तो गुरु नानक देव जी महाराज खुद ही उह परमात्मा संसार दे विच आए, उहनां सब तो पहला बचपने दे विच माता पिता कोशिश विच रहे कि किवें ना किवें साडा बच्चा दुनिया दे कारोबार विच लगे। उन्होंने डंगर चारन लाया, हुण तुहानू पता है कि सिर्फ ये पर्दा आरजी हुंदा है, बहुत बरीक माया का हुंदा है, जेडे मालक की तरफ संत आउंदे है, लेकिन जेडी अंदरों उन्हां दी रुचि हुंदी है, ख्याल हुंदा है, वह परमात्मा की तरफ ही हुंदा है। बाहर गए मालक दे सहारे डंगर छड के, आप समाधि अंदर लीन हो गए। फिर भी पिता ने क्या के डंगर चारदा नेगा, लोगों दी पैलियां दे विच छड दिंदा, जाके सांभदा नेगा, व्यापार विच लाउण लगे, कुछ रुपए दिते कि तू व्यापार करके आ। हुण तुहानूं पता है कि वस दी खेड नहीं हुंदीगी, असीं कह सारे लैने हैं, क्योंकि ऐसा तुरंत उन्हां वास्ते हुक्म हुंदा है। उन्होंने अगे कोई साधु मिले, सोचा कि इदों वध होर किहड़ा व्यापार हो सकता है, किहड़ा सौदा सच्चा हो सकता है। उन्होंने जिहड़े पूंजी सी कोले, कुछ उन्होंने खाना खवाता, लिया के कुछ वस्त्र लेके दे दित्ते। हुण जद घर खाली हथ आए, पिता नाराज होया, होर भी बहुत सारे जिधर लाउण, हुण दिल दुनिया के काम च क्यों लगे, क्योंकि दुनिया वास्ते तो आए नहीं सन, इस वास्ते फिर घरदिआं ने सोचा कि बीमार ना होवे। तो आपकी हिस्ट्री खुद भी बाणी च लिखते हैं कि जब मैं बाहर अंदर जांदा हुंदा, क्योंकि तन ते कपड़ा चंगा नहीं सीगा लगदा, कोई अच्छे खाने खाण नूं दिल नहीं करदा सी, तो कहण लगे मैं एक दिन दिने बाहर खेत नूं जा रहा सी, कोई मैनूं भूतना कहिंदा सी वी जिहड़ा इस वेले मारा मारा फिरदा है, कोई पागल कहिंदा सी, कोई कहिंदा सी ये नानक दा नानक है, कालू दा पुत्तर, घर दे इहदा इलाज नहीं कराउंदे।
अगर इस ते कोई टूणा कोई तवीज वगैरह कराउण, क्योंकि असी लोग इस भरम विच बड़े हुंदे हैं, तो ठीक हो जावे। गुरु नानक कहिंदे कोई आखे भूतना को कहा बेताला, कोई आखा है आदमी नानक बेचारा। उन्हां दा जिहड़ा जीजा सीगा वह लोधी खान पठान दे तोसे खाने का बड़ा अफसर सीगा। आखिर माता पिता ने सलाह करके उन्हां पास भेज दिता कि अपने ते कहे नहीं चलता गा, उत्थे जाके गुरु साहब नौकर रखा दिता। लेकिन मालक दे रंग विच जो रंगे हुंदे है उन्हां दा ऐसियां नौकरियां कन्नी कद लगता है। अखीर लोगों ने शिकायत की कि ये लोगों तेरा मोदी खाना जिहड़ा है ये सारा लुटा रहा है। हिसाब किया वो समान पूरा निकलिया। अखीर गुरु नानक बेई नदी दे विच डुबकी लगा गए। उत्थों कुछ दिन वो दुनिया नूं ना थियाए। सब ने आस मकाती कि वह तो हुण डुब चुकया है, खत्म हो गया है। बहुत सारे इतिहासकारां ने कहा कि उत्थों ही जाके उन्हां नूं ज्ञान मिलिया, परमात्मा के दर तो बख्शिश होई। भाई गुरदास कहिंदे पहले पाई दर बख्श, पिछो दे फिर गुरकाल कमाई। बख्शिश होगी, खैर मिल गई, लेकिन फिर भी मैं दसदा हुंना है कि बेशक कुल मालक ही संसार विच आया, फिर भी सानू दुनिया नूं डेमोस्ट्रेशन दे वास्ते बड़ी कड़ी कालना काली तपस्या कीती। सो इस तरह छोटी उम्र विच शादी कीती गई, बच्चे पैदा हुए, लेकिन ऐसे मालक दे प्यारां दा कद गिरस दे अंदर भी दिल खुबदा है। अखीर अपने दोस्त जेड़ा कि उस उन्हां दे पिंड विच सरंगी बजाउण दे विच मरदाना माहर सीगा, उहनूं साथ लैके दुनिया दी यात्रा करन तुर पए। भई मैं जिस काम नूं आया है लोगों नूं उपदेश देण वास्ते, फिर आपने उस वक्त दे मुताबक काफ़ी लम्मियां चौड़ियां यात्रा कीतियां, सुती दुनिया नूं नाम दे रस्ते पाया। आप वली कदारी जिन्हों आप दे तपदा रिद्धि सिद्धि का बड़ा हंकार सीगा, उसने भी जाके सीधे रस्ते पाया, नाम वाले रस्ते पाया, समझाया कि देख भी प्यारिया फकीरां का काम नहीं कि किसी ते कहर वरताउणा, फकीर का काम है कि शांति देनी। सो वो डुबकी गहरी है, वो प्यार का समुंदर है, वो डुबकी जो लावेगा अपने आप नूं खत्म करेगा, वही बख्श दर परमात्मा तो पाएगा। सो थोड़े अगे उन्हों का शब्द छोटा जहा रखा जाता है, आप प्यार ना कहिंदे है कि कोई वक्त सी संसार दे विच कोई भी जीव जंतु पैदा नहीं होया सी, ना कोई पहाड़ सी, ना कोई दरिया सी, ना कोई समुंदर सी, ना कोई वनस्पति सी। दुनिया के अंदर तंदुकारा सी, ना कोई आकाश सी, ना कोई पताल सी। उस परमात्मा दे विचों मौज उठी, उसने सचखंड रच दिता। इस तरह नीचे मंडल रच दिते और फिर उसने देवते रचे, इंसान रचे, वनस्पति रची, हर चीज पहाड़ वगैरह जो कुछ सी ये सब उस दी रचना है। हुण सवाल उठिया
क्योंकि जिसने कोई पौधा लाया है माली बूटे लाता है वह बेखबर नहीं होंदा, उन्होंने का फिक्र भी होंदा कि बड़े होके फल दें, मैं इन्होंने कोई इच्छा इन्हों की परवरिश करा। तो परमात्मा ने सोचा कि हूं ये किधर जा, वो देवत्या च देवता बनिया, इंसाना च इंसान बनिया, वो खुद ही अपना भेद देने वास्ते अपनी रोशनी देने वास्ते कोई कामल इंसान का तन धर के संसार विच आया, अपना भेद आप उन गाया। स्वामी जी कहते हैं कि उन्हें अपना भेद खुद गाया, क्यों इंसाना दे विच उन्हें जोत रखी, क्योंकि गाइयां मझां सानू समझा नहीं सकदियां, देवी देवते असीं देखे नहीं हुंदे गे, इंसान का टीचर इंसान ही हो सकता है, तो इंसान ही सानू अच्छे ढंग नाल समझा सकता है। इस वास्ते उन्हें अपनी कला अपनी जोत कामल इंसान दे विच रखी, तो परम संत दे रूप विच संसार दे विच आया, कदे कबीर बन के आया, क्योंकि संत चौहां जुगां विच ही आउंदे है। ये नहीं कि सतयुग च, कबीर साहब ने कहा भी मैं सतयुग च ही आया सी, त्रेते च भी, द्वापर च भी, और कलयुग दे विच भी। सतयुग दे विच सत सुकृत मेरा नाम सी, और त्रेते च करना मैं सी, द्वापर दे विच मुनिंदर सी, कलयुग दे विच कबीर नाम सी। उन्हां दे आपां अनुराग सागर पढ़ के देखिए ते पता भी लगता है कि किस युग विच उन्हां ने किस नूं नाम दिता, कित्थे कित्थे गए। बेशक इशारे मुताबक है लेकिन सबूत मिलता है। सो इस वास्ते वो परम संत संसार विच आउंदा है, उस तो बाद वह परमात्मा होर उस थाई 8-10 महात्मा होर भेज दिंदा है ताकि दुनिया में प्रकाश हुंदा रहे। जब ओही जगह आलम कट जाते हैं, जब मजहब का रूप धारण कर जाते हैं, तो महाराज जी कहते होंगे कि वह ताकत ना तो किसी फैमिली ना बजी होंगी है, ना किसी गद्दी गदेले ना बजी होंगी है, वह स्वतंत्र है। सो वो परमात्मा किहदा है, जिहड़ा उहदे नाल प्यार करदा है, जिहड़ा उहदे वास्ते जगह बना लैंदा है, वो उस विच जाके बैठ जाता है। सो इस वास्ते शब्द उहनां दा है, गौर नाल सुनो जी। मारू महला पहला पन्ना 10-25। आपे करता पुरख विदाता, जिने आपे आपो उपाय पचाता, आपे करता पुरख विदाता, जिने आपे आपो उपाय पचाता। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं आप ही परमात्मा ने जो कुछ असी अखा नाल देखते हैं ये भी रचना रची है, इहनू पैदा करके आप ही अपनी पछाण देने वास्ते किसी काबिल इंसान दे विच जोत रखता है, आके पता दिंदा है जी। आपे करता पुरख विधाता, जिने आपे आपो उपाय पचाता, आपे सत गुरु आपे सेवक, आपे श्रेष्ठ उपाई है। आ
आप ही उन्हें सृष्टि पैदा की है, आप ही सतगुरु है, आप ही शिष्य है। ये बड़ी समझण वाली गल है कि अध्यापक और स्टूडेंट दे विच की फर्क हुंदा है। अध्यापक दे अंदर वो विद्या जाग चुकी हुंदी है, स्टूडेंट अजे आपकी कोशिश दे विच लग्या हुंदा है, लेकिन जब ओदी सोबत करके विद्या जाग पैंदी है दोनों विच ही कोई फर्क नहीं हुंदा गा। इस तरह जिन्ना चक्कर असी कमाई करके अंदर नहीं जाते गे वो शब्द रूप गुरु ने आपके अंदर प्रगट नहीं कर लेंगे गे, उतना चिर असी शिष अपने आप को अलग समझते हैं। जब गुरु की शिक्षा देते असी चलते हैं, गुरु ने अंदर प्रगट कर लेने हैं, फिर साढ़े और संत दे विच कोई पिन पेश नहीं रहिंदा गा, क्योंकि एक जोत सचखंड तो आती है, दूजी ओदे प्रकाश विच रल के सचखंड पहुंच जाती है। आपा जे दीवे तो दीवा जगाइए उन्हां दे प्रकाश दे विच कोई पिन पेश नहीं हुंदा गा, कोई पछाण नहीं सकदा गा कि पहला दीवा किहड़ा जगया सी ते पिछों किहड़ा ओदे नाल लग के जगया है। सो इस वास्ते आप कहने लगे आप ही आपकी पछाण दसण वास्ते आ गया है जी। आपे सतगुर आपे सेवक आपे श्रेष्ठ उपाई है, आपे नेड़े नहीं दूरे, बूझे गुर मुख से जन पूरे। आप प्यार न कहते हैं, आप ही नेड़े है, आप ही दूर है, जिहदी चाबी मरोड़दा है उस संतां दे पास जाके नाम लेके कमाई करके आपके अंदर ही उस नूं प्रगट करदा है। गुरमुखां दे सदा ही नेड़े है, मनमुखां तों उह दूर रहिंदा दूर है। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੱਗਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਉਸਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, लेकिन जेड़ा गिरजा जेड़ा हर मंदिर खुद वो परमात्मा ने बनाया है, जिदे विच खुद परमात्मा बैठा है, उस दे अंदर असी कदे दाखल ही नहीं होए। गुरु अमर देव जी महाराज कहिंदे हर मंदिर ए शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। अगर कोई सच्चे तो सच्चा हर मंदिर है ठाकुर द्वारा है वो तुहाडा शरीर है, जद भी प्यारिया मालिक दे मिलण दा नॉलेज पैदा होएगा ज्ञान होएगा इस दे अंदर वड़के ही होएगा। लेकिन इत्थे आके असीं सारे भुल जांदे हैं, जिहड़े ताप दे हत्थां पैरां नाल मालक दे रहण दी जगह बनाउंदे हैं उहनां दे विच आपां धूप दिखाउंदे हैं, बड़ी सफाई दिन रात करदे हैं, कोई उत्थे बैठ के बुरा कर्म नहीं करदे गे, असीं सोचदे हैं कि परमात्मा दे रहण वास्ते असीं जगह बनाई है, ये परमात्मा का घर है। लेकिन जिन्हें खुद परमात्मा ने बनाया है ये 5-6 फुट का पुतला जिदे अंदर खुद बैठा है, कभी यदि सफाई करनी असी सोचा तक नहीं गा। ये अंदर तो कदे मीट पाने कदे शराब पाने कदे ये असी भैड़े खोटे कर्म करते हैं, तुसी सोच के देख लो गंदी जगह बादशाह का असी किस तरह इंतजार कर सकते हैं, की उम्मीद रख सकते हैं भी वह गंदी जगह साड़ी जाके बैठेगा। वो परमात्मा तो एदों भी सुचा उच्चा है प्योर है, वो साढ़े विशे बकारा के लिबड़िया च मीट शराब जिथे असी रोज पाने असी तो हड्डा रेड़ी कब्रस्तान बनाया होया है, इतो किवें आके बैठेगा। जब शेख तकी अपना हज करके वापस आ रहा सीगा तो तुलसी साहब के नाल मिलाप होया, मालिक की मौज
जब भले दिन आंदे है उन्हें आपका तंबू तुलसी साहब के मकान के अगे आ लाया। उन्होंने काफी चर्चा हुई तो तुलसी साहब कह लगे देख भाई जेड़ा हज है वो पैरों के तलह तो शुरू होकर सिर की चोटी तक है, इहदियां दो मंजिलां हन, एक इत्थे अखां तक है एक इहदू उपर है। की कदे इस मस्जिद नूं कदे साफ किया है? उत्थे बहुत सारे उसने सवाल किए हैं, तुलसी साहब जवाब दिंदे रहे हैं। आखिर उन्होंने उन्हां तों नामदान प्राप्त किया, चाहे तुसी कलमा कह लो उन्हां दा शिष्य बनिया। तो तुलसी साहब कह लगे देख भई दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए, एक दिन लाखों तमन्ना उसको भी जावे हब्स, दसो कहाँ है टिकाना इसके टिकाने के लिए। गैर मस्जिद मंदिरों में जाए सब अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकन दुख उठाने के लिए। कुदरती महराब में सुन गौर से, आ रही है सजा तेरे बुलाने के लिए। तू इस मस्जिद की सफाई करनी ध्यान दे, खेतों के अंदर दाखिल होके देख, वो परमात्मा का 24 घंटे तेरे अंदर वो आवाज दे रहा है, बांग दे रहा है, तू तो सुनता सी। सो इस वास्ते असी बाहर के जिन्हें भी है उन्होंने तो सफाई च लगे हैं, जिथे वो परमात्मा खुद बैठा है उस थां ते असी कदे सफाई तो जिक्र ही नहीं किया गा। गुरु नानक ने कहा सी सचो उरे सब के उपर सच उचार। गुरु नानक ने जिथे सानू रूहानियत की तलीम दी उथे अखलाकी तलीम भी दी है कि बेशक परमात्मा तो उपर कोई नहीं, परमात्मा तो सब मंडल नीचे है, जिन्हिया शक्तियां कारदियां नीचे हैं, लेकिन जेड़ा सच्चा सुचा जीवन है वो एडो ही उच्चा है। महात्मा ने पता है जे साडा जीवन ही अच्छा नहीं होगा, सच्चा सुचा नहीं होएगा, असी अंदर किनों परमात्मा ताईं पहुंच सकते हैं। हाँ भाई, आपे नेड़े नाही दूरे, गूजे गुरमुख से जन पूरे। और जेड़े मनमुख है पैसा जोड़िया, किथे अरब दे इलाके दे विच मक्का है, किथे अमरनाथ दी गुफा है, किथे बद्रीनाथ है, किथे हजूर साहब है, किथे साध बेला है, तुसी देख लो, लेकिन वो परमात्मा गुरमुखां नूं आपदे नेड़े तो नेड़े दस पांदा है कि मैं तुहाडे कोले ही हां जी। आपे नेड़े नाही दूरे, गूजे गुरमुख से जन पूरे, तिन की संगत ऐ निसलाहा, गुर संगत ए हो वडाई। नाल कहिंदे है जिन्हां ने गुरु की कृपा नाल उस परमात्मा नूं आपके अंदर प्रगट कर लिया है, सहज अवस्था जागड़े है, गुरमुख बन गए है, उन्हां दी संगत जद भी मौका मिले कहिंदे सानू लाहा ही लाहा है, उहदे विच घाटा नहीं गा। पर यह संगत कद मिलती है? जब परमात्मा कृपा करे, अपनी मेहर करे, साडे मस्तक दे विच लिख देवे कि भई इसने इसनू संगत मिलेगी, पूरे गुरु भी मिलेगी। गुरु नानक कहिंदे संत सभा ओट गुर पूरे, तुर मस्तक लेख लिखाए। उन्हां दी सभा तुर मस्तक दे लिखण दे मुताबिक ही सानू मिलदी है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है कि उन्हां दी संगत दे विच लाहा नहीं, फायदा ही फायदा है। कबीर साहिब कहिंदे है
संत की गैल न छोड़िए मार्ग लागा जाए, एक ही पनीत हो पेट जदी है नाव। कहिंदे उन्हां दा जिथे भी जाके उह संगत करदे आ, बैठदे आ, उठदे आ, उन्हां दा पिछा ना छड। क्यों जे तां उन्हां नाल गलबात होई तां उन्हां ने यही कहना भी प्यारिया नाम जप, अगर प्यार भरी उन्होंने दृष्टि पा दी तो तेरा बेड़ा पार है। तो कबीर साहब कहने लगे, जम का ठेंगा बुरा है वह नहीं सहा जाए। क्यों साधु की संगत दे विच कौन भज के जाता है? कहते जम का ठेंगा बुरा है जिन्हें डर लगता है कि इस दुनिया तो बाद जब मैं जाना है मेरा कोई संगी साथी है। असी देखते हैं पति तुर जाता है, पत्नी हथ मलदी रह जाती है, लड़का उठ जाता है, माता पिता रोंदे रह जाते हैं। तुसी देख लो जयपुर दे विच बहुत सारे प्रेमी महल वगैरह राजां दे देखण वास्ते जा वड़दे है। कदे ख्याल कीता है कि किसे वक्त इन्हां दी किन्नी शान शौकत सी, किन्ना इस ते पैसा खर्च कीता रहण वाले ने, लेकिन अज उसका की है बई? की वह महल इत्थे रह गए? सात जो कर्म कमाया, चाहे चंगा कमाया चाहे माड़ा कमाया, वो ही गया। तो ऐसे संगत की तरफ सब भी संगत करनी फायदे है। कबीर साहब कहते हैं, जम का ठेंगा बुरा है वो नहीं सहा जाए, एक जो साधु मोह मिलिया तिन्हों लिया बचाए। मैनू गुरु मिल गया, उन्हें मैनू बचा लिया, नहीं तो मेरी भी यह हालत होनी सी। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे है, तिन की संगत है निसला, ओना भी संगत मिल जावे लाहा ही लाहा है जी। तिन की संगत है निसला, गुर संगत एह वडाई हे, जोग जोग संत पले प्रब तेरे, हर गुण गावो रसन रसेरे। ओस्तत करो पर हर दुख दल दो, जिन नाई चिंत पराई हे। और आप प्यार ना कहते हैं कि संत जुगा जुगा विच ही आउंदे है, उन्हां दा रस्ता बंद नहीं हुंदा गा। हाँ, उन्हां ओह कौमां बंद कर दिंदियां हन जिन्हां दे दिल अंदर परमात्मा दे मिलण दा शौक नहीं हुंदा गा, मेरे तड़फ नहीं पैदा हुंदी गी। ओह जरूर कह दिंदे है हुण कोई गुरु पीर नहीं हुंदा गा। नहीं प्यारे, तुसीं गुरु नानक दी बाणी पढ़ के देखो, कहिंदे जुगो जुग जुगो जुग पीढ़ी पीढ़ी चलेंदी। फिर वह कहते युग युग भगत उपाया, वह हर युग के लिए परमात्मा आपके प्यार भगतों संसार भेजता है। सो इस वास्ते आप प्यार कहते हैं, संत कर्मा तो बरी होंगे है, उन्होंने कोई चिंता नहीं होंगी गी। उन्होंने पता है कि सारी चिंता करने वाला वह परमात्मा है, लेकिन उन्होंने जेडे कष्ट होंगे है वो साढ़े जीवन के कर्म होंगे है, उन्होंने जो चिंता है तो जेडे प्यारे उन्होंने संगत च आ जाते हैं, सोबत च आ जाते हैं कि इन्होंने किवें समझाया जाए कि तुम बई नाम की तरफ लगो, तुम दुनिया नूं ना मंगो, दुनिया बनाने वाले नूं मंगो। उन्होंने दिन रात साढ़े चिंता है जी। ओस्तत करें पारे हरे दुख दल दो, जिन नाई चिंत पराई हे। ओए जागत रहना सूते दिसे,
संगत कुल तारे साच परीस। गुरु नानक साहब कहते हैं वो आके सौंदे नहीं गे। संतां की जो आत्मा होंदी है वो अखां तो कदी नीचे नहीं आउंदी गी, चाहे वह तुरे जांदे है, चाहे बैठे है, चाहे वह मंजे ते पए है। शरीर जरूर उन्हां दा सौंदा है, प्राण सौंदे है, लेकिन आत्मा जिहड़ी है वह उस वेले भी उपरले मंडला च है। किसी नूं नाम देई जांदे उस वक्त भी, किसी की संभाल करी जांदे है। असीं देखते हैं कि पता नहीं संत सोए हुए है, खराटे वज रहे है। नहीं प्यारियो, वो तो सानू सुत्या नूं जगाउण वास्ते आए है। गुरु नानक कहिंदे जागो जागो सुत्यो, वो कहिंदे तुम सुते हुए हो, दुनिया कनियो जाग दिया, परमात्मा कनियो सुते हैं। अगर संत ही आके इत्थे नींद दे दोस्त बन सौ जाण तो दुनिया तो पहले ही सुती पई हुंदी है। कबीर साहब ने कहा से वो जागण दे विच ही सोवण करदे है, सिर्फ शरीर नूं आराम देण वास्ते ही हो, क्योंकि शरीर जिहड़ा है यह हड चां मास दा बनिया होया है, इस नूं आराम की थोड़ी बहुती लोड़ पैंदी है। कहिंदे तुसीं घंटा आराम दो दो दो, जिस तरह का यह बुढ़ा है जवान है उस तरह की लोड़ पैंदी है। तो इस वास्ते आप कहिंदे है वो जागत रहे ना सूते दिसे, जिहड़े उन्हां दी सुध चाहुंदे है उन्हां नूं उतार लैंदे है जी। ओए जागत रहे ना सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परीसे। जो वो तारदे है तो सब नूं मालिक दी याद विच ला दिंदे है, सब नूं जगा दिंदे है, अंदरों आत्मा नूं जगा दिंदे है जी। ओए जागत रहना सूते दिसे, संगत कुल तारे साच परीसे। कल मल मैल नाही ते निर्मल, ओए रे भगत लिव लाई है। परमात्मा जिहड़ा है वो मैल तो उपर है, उन्हें किसी चीज की मैल नहीं लगी, ना काम दी, ना क्रोध दी, ना द्वैत दी, कासे दी मैल नहीं, वह निर्मल है। जिहड़े उहदी भगती करके उसनों आप दे अंदर प्रगट कर लेंदे है वह भी प्योर और पवित्र हो जाते हैं जी। काल मल मैल नाही ते निर्मल, ओए रहे भगत लिव लाई हे। बूझो हर जन सत गुर बाणी, एहो जो बन सास है देह पुराणी। गुरु साहब प्यार ना कहंदे है कि पता नहीं मौत दी घंटी कद वज जानी है, कद काल ने गला दबा लेना है, इदे थोड़ा जा कोई बीमारी का ठनका लग गया ता नहीं रहनी गी। इस वास्ते आप कहंदे है वक्त है वो बाणी जो सचखंड तो उठ के साडे सब दे मत्थे दे पिछे तमकारा दे रही है उस नूं समझो। जिसने गुरु नानक ने कहा है वो बाणी ना असीं अखां नाल देख सकते हैं ना कन्नां नाल सुन सकते हैं, वो अनहद है जिहड़ी हद तो उपर सचखंड तो उठ के आ रही है। अनहद बाणी पूंजी संतन हथ रखी कुंजी, किवें उहदे नाल जुड़ना है वो सानूं महात्मा उहदे नाल जोड़दे है जी। पूजो हर जन सत गुर बाणी, एहो जो बन सास है देहा
आज काल मर जाए प्राणी, हर जप जप हृदय आई हो, छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, कूड़ मारे काल उछाड़ा। पहला गुरु नानक देव जी महाराज मालक दे भगतां दी प्यारियां दी महिमा करके आए है, मालक दी महिमा कीती। हुण आप जिहड़ियां चीजां साडे और परमात्मा दे दरम्यान रुकावट बनदियां हन, पहला उहदा नूं छड्डो। मैं दस्या सीगा कि संत सानूं रूहानी तलीम दे नाल नाल अखलाकी तलीम भी दिंदे है। जिन्ना चिकर साडा अखलाक नहीं ठीक होएगा, उन्ना चिकर असीं अंदर तरक्की नहीं कर सकते। असीं दुनिया नूं धोखा दे लैंदे हैं, लेकिन वह परमात्मा जिहड़ा है वह साडे अंदर बैठा, उहनूं ना कोई धोखा दे सकदा ना कोई किसी ने दिता ही है। क्योंकि राम चरोखे बैठ के सबका चारा ले जाके जैसी चाकरी ताको तै साधे, वो पहले ही असीं सोचदे मगरों हैं, वह पहले ही सुन लैंदा है। इस वास्ते आप गुरु नानक कहते हैं कि जे तुसी परमात्मा की भगती करना चाहनी हो, परमात्मा मिलना चाहनी हो, संतां दी सिक्ख्या दे उत्ते चलना चाहनी हो, तुसी की करो, छोड़ो प्राणी कूड़ जिहड़ियां बेअर्थ गल्लां है, झूठ बोलना छड़ दो, पराया खाना छड़ दो, अपना कमा के खाओ, सच बोलो, क्योंकि सच आखिर सच हुंदा है। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि जेड़े असी सोचते हैं कि झूठ का कोई मुल नहीं गा, झूठ नूं कौन पुछदा है, या किसी का खाना कौन पुछदा है। नहीं प्यारे, एक एक सास का लेखा लिया जाता है, ग्राही ग्राही का हिसाब लिया जाता है, ये भुल दे विच नापो। इस वास्ते आप कहो कूल मारे सिर काल उछाड़ा, वो कहते काल उन्हों की खबर लेंदा है, धर्मराज उन्हों की खबर लेंदा है, क्यों भी दुनिया दे विच की अत्याचार किए, मेरी दुनिया विच जाके की कीता। इस वास्ते आप प्यार ना कहते हो कि तुसी परमात्मा की भगती करना चाहते हो, ये मैं है, इन्हें तुसी छड़ दो जी। छोड़ो प्राणी कूड़ कबाड़ा, साकत कूड़ पचे मरे हो मैं, दो मार्ग पचे पचाई है। थोड़ा प्यार ना कहते हैं साकत कौन है जेड़ा किसी का कीता जाने ना, क्योंकि सांदा जो सान परमात्मा ने कीता है वह सब तो वड्डा है, जेड़ा असी किसी तरह भी उहदा बदला नहीं चुका सकते। परमात्मा ने सानू मुफ्त दा तन दिता है, रहण नू धरती दिती है, पीण नू पानी दिता है, रोशनी दिती है, हवा दिती है, किहड़ी चीज परमात्मा ने नहीं दिती गी। फिर उहने उपहार वजो आप सानू बच्चे दिते है, किहड़ी चीज उहने लुको के रखी है। हुण आप प्यार नाल कहिंदे है उस परमात्मा नू असी कह दिंदे हां वो है ही नहीं गा, ओदी भगती नहीं करनी गी। सोच के देख लो कि असीं एदों वध सागत की हो सकते हैं। सागत कहिंदे है जिहड़ा किसे दा कीते एहसान नूं ना जाने। फिर आप कहिंदे आ कि वो हौमै हुंदी है, वो हंकार विच हुंदा है, वो मत के चलदा कि जो मैं कहना है वो ही ठीक है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे आ साडे और परमात्मा दे अगर कोई दरम्यान रुकावट है वह हौमै दी अहंकार दी है कि मैं इतना मेरा बड़ा समाज है, मैं इतना पढ़िया लिखिया है, मैं इतना धनी है और मेरे विच ये वसव है, ये वसव है। सो ये हौमै है, ये अहंकार है। महात्मा दसदे हौमै दीर्घ रोग है दारू की समाहे, ये ला इलाज मिठी बीमारी है जिन्हां नूं लग जावे।
अजकल थानू पता है समाजां दे विच हंकार ही है जिहड़ा असीं एक दूसरे नूं नीवा दिखाउंदे अपने आप नूं उच्चा समझदे हैं। तो कहिंदे मिठी बीमारी है तपदिख है दारू की इस माहे वो की दारू है जिथे कहने लगे दिन है उत्थे रात है जिथे बीमारी है ओदी दवाई भी है इस वास्ते की दवाई है कृपा करे जी अपनी तो गुर का शब्द कमाहे अगर परमात्मा कृपा करता है सानू किसी महात्मा की संगत और सोबत बख्शदा है वो कृपा करता साडे दिल विच ख्वाहिश पैदा करता है कि असीं भी रस्ता प्राप्त करके परमात्मा की भगती विच लगीए जी। साकत कूड़े पचे मरे हो दो मार्ग पचे पचाई है छोड़ो निंदा तात पराई पढ़ पढ़ दाजे शांत ना आई। और आप प्यार ना कहते हैं जो तुसी भगती करना चाहते हो किसी की निंदा करनी छड़ दो। महाराज सावन सिंह कहते होंगे सीगे कि निंदा जिड़ा होर कोई गुनाह नहीं गा अजकल समाजां कोलों वड्डा तोपखाना यह निंदा दा ही है इस वास्ते आप कहने लगे वो कहते हैं चोर नूं चोर कहना भी गुनाह है। फिर गुरु नानक कहते हैं निंदा भली काहू की नाही मनमुख मुग्ध करन मूह काले तन निंदका नरके कोर पवन। किसी भी संत महात्मा ने नहीं कहा कि निंदक नूं ढोई मिलती है वो कहते इथों का भी गुआ जाता है अगे जाके भी परमात्मा के बूहे च वड़ नहीं सकता गा। निंदक अहला जन्म गवाया पहुंच ना सका काहू बात है वो गल्लां नाल नहीं पहुंच सकता गा निंदक ना अगे मालिक दे घर जा सकता इत्थे संसार विच ही वो शोभा नहीं पाउंदा गा। इस वास्ते आप कहते हैं छोड़ो निंदा तात पराई पढ़ पढ़ दाजे शांत नाई कह लगे ईर्षा छड़ दो सब दे अंदर परमात्मा है अगर इसे ईर्षा कर दे परमात्मा ना कर दे हैं पढ़ेगा ता फायदा है जे आप भी निंदा करनी हटिए भगती परमात्मा की करिए दूसरे नूं भी इस पासे लाइए। लेकिन आम तौर ते असीं की करते हैं पढ़ लिख के दूसरे च ज्यादा नुक्स वगैरह कढ़न लग जाते हैं अपने आप नूं बड़ा करते हैं। सो महात्मा सानू दसदे आ पढ़ेगा तो ता फायदा जी शांति आवे आप समझे होर नूं समझावे प्यार ना क्योंकि प्यार ना जिहड़ा समझाउणा है ये बड़ा ही कीमती रखता है क्योंकि प्यार का जिहड़ा वचन है ये जरूर अंदर कर कर जाता है जी। छोड़ो निंदा तात पराई पढ़ पढ़ दजे शांत ना आई मिल सत संगत नाम सलाओ आत्म राम सखाई है। ना तो निंदा करने वाले नूं शांति है ना हंकार करने वाले नूं ना ईर्ष्या करने वाले नूं कोई शांति है। आप कहणगे की करो साध संगत दे विच जाओ संगत दे विच आउणा क्यों जरूरी हुंदा है कि सानू उत्थे साडियां गलतियां दा पता लगदा साडी तहकीकात मुकम्मल हो जांदी है सानू पता लगदा है कि साडे अंदर की नुक्स है। महात्मा दसदे है कि साडे नुक्स दो प्रकार दे आदमी दस सकदे है एक तां साडा विरोधी जिहड़ा है उह कहिंदा तेरे च नुक्स है साडा धर्म बणदा है कि असीं प्यार नाल उह नुक्स आपदा कढ लईए उहदी शुक्रगुजार होईए वी तैं सानू दस्सिया। या कोई महात्मा दस दिंदा है वह कहानी पा के दस दिंदा है। सो इस वास्ते आप प्यार नाल कहिंदे है मिल सतसंगत नाम सलाओ संगत दे विच जाके नाम दी महिमा गाओ क्योंकि संत कहिंदे आ किसे दी क्यों निंदा करदे हो हर एक दा लेखा जोखा करन वाला उह परमात्मा है अगर कोई बुरियाई करदा तो आपदे वास्ते करदा है जी। मिल सतसंगत
नाम सलाहो आत्म राम सखाई छोड़ो काम क्रोध बोरे आई हो मैं तंद छोड़ो लंपटाई साते गोरे शरण परो ता उबरो एओ तारी है पाव जल पाई गुरु नानक साहब कहते हैं काम नहीं छड़ दियो ते बहुत बड़ी बुराई है काम ते नाम दी दुश्मनी है काम दी गिरावट नीचे नू है नाम दी चढ़ाई ऊपर नू है कामी कबू ना गुर पर जे इस वास्ते आप कह लगे ये बहुत वड्डी बुराई है काम बंदे नू भी शर्म कर दिंदा है रिश्तेदारी भुल जांदा है ये बेइज्जती का कारण बनदा है ये ऐसी अग है जब बंदे दे अंदर पटक पैंदी है इहदी सुध बुध मार दिंदी है तो कबीर साहब कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भगत ना होए भगती करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल खोए तुलसी साहब कहते हैं काम क्रोध मोह अहंकार दे जगत जबलब घट में खान क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान ये जो अंदर काम की वरियाई है चाहे पढ़िया लिखिया चाहे अनपढ़ है वो दोनों इको जैसी है कि करो तुसी संतान संगत दे विच जाके नाम की कमाई करो नाम की कमाई ता ही करो कर सकते हो कामयाब हो सकते हो जे ये बुराइयों नूं छड़ दिओ काम की छड़ दिओ क्रोध की छड़ दिओ जी सत गुर शरण परो ता उबरो उतारी है पाव जल पाई आग बिमल नदी अगन बिख चेला तिते अवर न कोई जियो अकेला पारे पारे अगन सागर दे लहरी पड़दा जै मन मुखताई महात्मा ने आपदे ग्रंथ को सानू डराउण वास्ते नहीं लिखे होंगे वो अनुभवी पुरुष होंगे है जो कुछ उन्होंने अनुभव जिन्हें अखा ना देखा वो बयान करते हैं तुसी गरुड़ पुराण पढ़ के देखो नासकेज पुराण पढ़ के देख लो कबीर साहब की बाणी किसी महात्मा की बाणी पढ़ के देखो मुसलमाना की पवित्र किताब कुरान के अंदर भी इस नदी का जिक्र है किसी ने इस व्याकरणी नदी कह दिता किसी ने इस बिमल नदी कह दिता गलीच नदी कह दिता आत्मा ने गोते दिते जाते हैं सो गुरु नानक कहते हैं भाई क्यों बुराई छड़नी है जो तुसी मौत आएगी ना माता ने नाल जाना ना भैन भरा ने जाना ना कोई धन दौलत ने जाना है तिथे होर कोई नहीं जी अकेला ही होएगा अग का तेज इस तरह है जिवें समुद्र के अंदर लहर उठदियां हन असि बहुत सारा दुनिया च भी देखते हैं जब मकाना अग लग जाए या किसी रूम वगैरह अग लग जाए किस तरह वो लहर उठदिया होंगे हैं इस तरह वह अग के समुद्र के लहर उठदिया हैं इतने तो असि मन मर्जी बुरियाई की डंगर के गले वे बंद कतल कर लगे असि गाजर मूली बना बने हैं जे इतने से मन मर्जी की है तो वह कष्ट असि भोगना है इस वास्ते आप प्यार दे नाल कहिंदे है कि इस वास्ते दरियाई छड़नी है उस नदी नूं टप्पण वास्ते असी भजन करना उस नदी तो बचण वास्ते ही असी और सतगुरु का सहारा लेना नाम का सहारा लेना है जी
पाड़े पाड़े अगन सागर दिलहरी पड़दा जय मन मुखताई गोरता मुकत दान दे पाने जिन पाया सोई बिद जाने जिन पाया तिन पूछो पाई सुख सत गुर सेव है मुक्ति प्राप्त करनी परमात्मा दे नाल मिल लेना साडे अपने वस दे विच नहीं इह भी उह परमात्मा ने आपदे हाथ विच रख्या है। मैं किस नूं इह जीवन खाने दे विचों कढ़ना है किहदे लई इत्थे रखना है। मैं शुरू च दस्या सी कि सब कुछ उह आप ही उसने पैदा किया है और आप ही इहदी परवरिश करदा है आप ही अपने दस पाउण वास्ते संसार दे विच किसी महात्मा का तन धार के आंदा है। हुण आप प्यार ना कहिंदे है जिन पाया तिन पूछो भाई सुख सतगुर से प्यार ना कहिंदे है कि जो वह सानू मुक्त करना चाहता है खुद ही किसी ऐसे महात्मा की सोभ दे ले जांदा है जिसने जिंदे जी मुक्ति हासिल कीती है परमात्मा ना प्यार पाया है तो सुनिया सुनाईया गल्लां नहीं कहिंदा गा ना अंधविश्वास उहनूं मिलिया ना उह सानूं ही दिंदा है। उह तां कहिंदा भी आओ करो और देखो पहुंचो आपदे घर फिर उह जिवें परमात्मा हर इक नूं रोशनी मुफ्त दिंदा है हवा मुफ्त दिंदा है महात्मा भी आके उस आपदी तलीम दा किसी तों मुआवजा नहीं लैंदे। अगर कोई मुफ्त दा नौकर है तो उह महात्मा है को जो भजन राम को पावा ऐसे महात्मा ना तो साड़ी पहली बनी समाज तोड़दे है ना नवी बनाउंदे है ना सानू लड़ना भिड़ना ही सिखाउंदे है वो तो सतु भगती करा के परमात्मा नूं मिलाउण वास्ते आउंदे है। इस वास्ते आप प्यार ना कहिंदे है जिन पाया जिसने पाया है पढ़े ही पढ़ा सकता है। साडे सतगुरु कहिंदे हुंदे सीगे पहलवान ही पहलवानी सिखा सकता है जिन्हें खुद पाया है वह भी सानू सिखा सकता है कहते उदे जाओ होर आलम फाजिल बथेरे मिल जाएंगे गुणी ज्ञानी बथेरे मिल जाएंगे। सो इस वास्ते आप कह लगे नहीं उन्हां कोले जाओ उत्थे बेशक तुहानू खुश्क रोटियां मिलन पुंजे पैणा पए कह लगे फिर भी तुहाडे फायदे विच है जी। जिन पाया तिन पूछो पाई सुख सत गुर सेव कमाई गुर बिन उर्ज मरे बेकारा जम सिर मारे करे खुआरा बादे मुक्त निंदक भूब निंद पराई प्यार ना कहते हैं जिन्ना चिकर ऐसा महात्मा जो मिलिया है नहीं मिलता गा जेडे जिंदगी के स्वास है वह सारे बेअर्थ चले जाते हैं। बिन साधु जो जीवना ते तो बिरथारी गुरु साहब कहते उन्ना ही साडा जीवन बेकार गया है। लेखे में सो करी कबीर साहब कहते बाकी के दरबार केड़ी घड़ी केड़ा टाइम साडा कित्थों आके लेखे विच होया जिसने सानू मालक की भगती का वरदान मिल गया नाम मिल गया असि नाम की कमाई कर लग पे। इस वास्ते आप कहते जा दिन भेटे साध संग ओ दिन बलिहारी सब संत कहते हैं कि जिदे सानू भगती का मौका मिलिया नाम मिलिया वह भी दिन साडा पवित्र सीगा। इस वास्ते प्यार ना कहिंदे है वादे मुकत नाई नर निंदक असीं की करदे हां किसे समाज नाल बह जांदे हां किसे होर
अखौती चीजा ना बढ़ जाते हैं, दूजे की निंदा करते हैं। जिहड़ा साडे तरीके मुताबक भगती नहीं करता वा, जे असी ग्रंथ पूजते हैं दूजा नहीं पूजता सी उहदे नाल लड़दे हैं जाके, जे कोई मूर्ति पूजता है उहदे मुताबक दूसरा नहीं पूजता वा जाके लड़न लग जाते हैं, निंदा करन लग जाते हैं कि इहदी भगती ठीक नहीं। तुसीं सोच के देख लो, जे समझाउणा तुहानूं प्यार नाल समझा दे कि प्यारिया ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅਗਰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੀਰਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪਖਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੇਵਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਨਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ, ਨਾ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਕੋ, ਹਰ ਕੋ ਭਜੇ ਸੋ ਹਰ ਕਾ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦਾ ਹੈ। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਦਵੈਤ ਭਾਵ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਜਾਤ ਹੈ ਬਈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਮਲਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣ ਨਵੇੜੇ ਖੜੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜਾਤਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੀ ਭਰਾਵਾ ਪੁੱਛਣਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਸੱਜਦ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪੰਡਤ ਸੀ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਅਮਲ ਦੇਖਣਗੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਭਰੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਦੇ ਕਹੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਮਲੀ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੇਵਲ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਸੇ ਵੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਦੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਨਰ ਨਿੰਦਕ ਡੂਬੈ ਨਿੰਦ ਪਰਾਈ ਬੋਲੋ ਸੱਚ ਪਛਾਣੋ ਅੰਦਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਰਨੰਦਰ ਬੇਗਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ ਇਉ ਪਵ ਜਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ। ਪਾਪ ਜਲ ਤਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਲਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਭਵਜਲ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਗਨ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਮੁਖ ਤਰ ਤਾਰੀ ਇਉ ਪਵ ਜਲ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ ਦੇਹੀ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਹੈ ਅਭਿਨਾਸੀ ਨਾ ਜਿਉ ਮਰਨ
मारे आ जाई कर देख शब्द रजाई। हुण गुरु साहिब कहिंदे आ मैं जिस नाम की महिमा कीती है कि उहदे बगैर मुक्ति नहीं, सतगुरु बगैर नाम नहीं मिलदा गा, पढ़ने विच शांति नहीं, निंदा करने विच शांति नहीं, किसे पाप करने शांति नहीं, शांति अते को नाम विच है। हुण आप उस परम नूं कढ़दे आ, मता तुहाडे दिल विच ख्याल होवे कि उह नाम किते लिखण पढ़न बोलण विच है, किसे भाषा विच है। कहण लगे नहीं उह तां बिना लिखिया कानून है, बिना बोली भाषा है। हजरत बाहू ने कहा जवानी कलमा हर कोई आखे, दिल दा पढ़दा कोई हो, जिथे कलमा दिल दा पढ़दे उथे जेबा मिले ना टोई हो। जवान ना फरके होठ ना हिलन, खाश नवाजी सोई हो। कलमा मुर्शिद पढ़ाया मैनू ना सदा सुहागन होई हो। ओ कलमा मुर्शिद पढ़ाउंदा है, गुरु पढ़ाउंदा है, संत पढ़ाउंदा है। तो गुरु अंगद देव ने भी कहा कि अख तो बाज देखना है, क्योंकि अखा तो साडिया इथे रह जानिया हैं। तो कन्ना तो बाज सुनना है, कन उस आवाज नूं कित्थे फड़ सकदी है। यह तो एक जंतर है बारों सुनने वास्ते। जीबा खा जो बोलना इओ जीवत मरना, नानक को पछाण के तो खसवे मिलना। इस वास्ते आप प्यार ना कहंदे आ ना जी ओ मरे ना मारे जाई, कि आत्मा मरदी नहीं, शरीर साडे आउंदे आ जांदे आ बिनसदे है। शरीर दीआं तिन गतां हुंदीआं हन, या तां लोक मिट्टी दी दुत ना दिंदे आ तो कीड़े खा जांदे है, या साड़ दिंदे है सौ बन के उड़ जांदे है, या जानवरां दा खाज बना दिंदे हैं, वो जानवर खा के उहदा बिछा करके सिट दिंदे हैं। मरने बाद शरीर दीआं तिन ही गतां है। तो कबीर साहिब कहिंदे डूबोंगे रे बापरे, बहु लोगन की कान, तब किल किसका लाज सी जब चक धरियो मसाण। मसाणा दे विच जाके पता लगेगा भई केड़ी जाति नूं मौत आउंदी है, केड़ी नहीं। वो प्यारे हो सब कुछ तुसी देखदे हो, समान एक है, धरती एक है, वो परमात्मा एक है, वो पैदा करन वाला सानू एक है, उहदे मिलण दा संत कहिंदे साधन और तरीका एक है। असी फिर भी निंदा करदे हां तो परमात्मा दी करदे हां, बुरा कहिंदे हां किसे नूं तो परमात्मा नूं कहिंदे हां जी। ना जीओ मरे ना मारे आ जाई कर देखे शब्द रजाई। ओ निर्मल है नहीं अंधियारा, ओ आपे ताकत बह सचियाराम, साकत कूड़े बंद पवाये, मर जन में आई जाई गोरे के सेवक साते गोरे प्यारे, ताकत सो शब्द विचारे, तातल है अंतर गत जाने, सत संगत साच वडाई आप तर जन पितरा तारे, संगत मुक्त सो पार उतारे, नानक तिसका लाला गोला, जिन गुरमुख हर लिवलाई।
Es aquí, nosotros esperamos de ti, de ti, de ti, bendiciones.